Yes, वी आर live now. हेलो फ्रेंड्स दिस इज ये मैं शी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न तो आज डिस्कस करेंगे कि चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी एंड स्पेसिफिकली पेडागोजी में यानी शिक्षण शास्त्र में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे स्कोर कर पाएँ सी टेट में और जो चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी में यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में अच्छे नंबर ले जाता है ये स्वाभाविक है ये नेचुरल है कि वो बाकी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी में भी बेहतर हो जाएगा क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे सेम हैं बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं वो सब सेम ही लागू होते हैं सारे सब्जेक्ट्स में तो अगर आपका ये सब्जेक्ट बेटर हो जाता है तो बाकी सब्जेक्ट्स की पेडागोजी जो कि ओवरऑल पेडोगॉजी का वेटेज सीटेट में नाइन्टी मार्क्स है बिना पैडोगोलॉजी पढ़े आप सीटेट ट्रैक नहीं कर सकते ये बात हम कह सकते हैं तो समझते हैं सारी कहानी सिलेबस को पूरा समझेंगे देखेंगे क्या कोई सिलेबस में चेंज है क्या सिलेबस के हिसाब से पढ़ना सही नहीं है क्या सिलेबस को ध्यान में रखें या नहीं रखें है ना और जो अजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आजकल आने लगे हैं क्या बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स हमें पढ़ के जाना ज़रूरी है क्या पुराना जो टाइप है क्वेश्चंस पूछने का वो बदल गया है या बिल्कुल सेम है है ना ये सारी चर्चाएं करेंगे प्रॉपर एक एनालिसिस करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे जिसकी आ, जो इम्पोर्टेंस है वो सारे ही टीचिंग एग्जाम में जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वो बढ़ चुकी है ये आपके दोनों पेपर्स हैं मुझे समय भी थोड़ा सा इसीलिए लगा है ना इस बार का पेपर वन और पेपर टू दोनों हमारे सामने हैं विद आंसर कीज ऑफ कोर्स ऑफिशियल आंसर कीज आपके सामने हैं और ये पूरा एनालिसिस मैंने बैठ के किया है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन इस बार आए हैं इससे पहले कितने आए थे ये देख नहीं पा रहे होंगे शायद आप और लगभग बात वही है सेम है इस बार तो एजुकेशन पॉलिसी से एक क्वेश्चन भी नहीं आया राइट टू एजुकेशन एक्ट से एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन भी नहीं आया एनसीएफ से एक क्वेश्चन भी नहीं आया ना एनसीएफ 2005 से ना 2023 से तो पढ़ें क्या किन चीजों को ध्यान में रखें ताकि हमारा स्कोर एटलीस्ट 30 में से 30 लाए हम 30 में से 29 लाए 28 लाए हद से हद तो है ना तो समझते हैं कि आप ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल मार्क्स आते हैं लर्नर्स आज से नहीं कितने पुराने 2018 से लाते हुए रहे हैं है ना मैं 2016 से डिस्कशन कर रही हूं बट 2018 क्योंकि दो साल पेपर नहीं आया था तो 2018 से मैं लगातार देख रही हूं कि अपने लर्नर्स 30 आउट ऑफ 30 लेकर के आते हैं सीडीपी में तो स्टार्ट करते हैं समझते हैं एक एक चीज को कि किस टॉपिक की वेटेज कितनी है कौन से वो टॉपिक्स हैं जिन्हें कोई नहीं छेड़ सकता जिनका वेटेज एज इट इज रहता है हर बार पेपर में चाहे पैटर्न बदले दुनिया खत्म हो ये सेम रहते हैं ये तो खैर क्वेश्चन है एक अच्छा ये ध्यान रखिएगा ये जो अजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन है ये कितने क्वेश्चन आ रहे हैं क्या सारे क्वेश्चन यही आ जा रहे हैं नहीं हमें सही से एनालाइज करना है चार क्वेश्चन पेपर वन में और छह से सात क्वेश्चन आ जा रहे हैं पेपर टू में

और ये पूरा सिलेबस है ये ऑफिशियल सिलेबस के जैसा ही है उसी को सिंप्लीफाई किया हुआ है ये ऑफिशियल सिलेबस है बिल्कुल उसी तरह से लिखा हुआ है और ये बिल्कुल काम का है एज इट इज़ क्वेश्चन में क्वेश्चन uh, पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस बार भी पंद्रह से ज़्यादा कुछ ये पहली यूनिट इतनी इंपॉर्टेंट है कि पंद्रह से सत्रह अठारह क्वेश्चन तक भी पहली यूनिट से देखने को मिल रहे हैं क्योंकि कुछ टॉपिक जो है वो कॉमन है वो लास्ट वाली यूनिट में भी कॉमन है और जो फर्स्ट यूनिट है उसमें भी तो उस पर भी चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण क्या बन जाता है फर्स्ट यूनिट बन जाती है इस हिसाब से है ना तीन यूनिट्स हैं तीन सेक्शन हैं अगर मैं कहूँ तीस नंबर की सी है उसमें सेक्शन वन है जो चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास पंद्रह का फिर सेक्शन टू है जो इंक्लूसिव एजुकेशन है सबसे छोटा भी है मतलब कंपैरेटिवली बाकी टॉपिक्स के यहाँ पे अगर देखें पांच नंबर की यूनिट है इसमें आपका आरपीडब्ल्यू एक्ट वगैरह भी आ जाते हैं जो जितनी भी डिसेबिलिटीज हैं वो इसी में आ जाती है ये चार से पांच नंबर में ही पूछी जा रही है ऐसा नहीं है कि बहुत कम या बहुत ज्यादा में जितना लिखा हुआ है सिलेबस में उतने ही नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं आप एनालाइज करके देखिएगा आराम से ठीक लर्निंग एंड पेडागोजी ये भी थर्ड यूनिट है इसके कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो फर्स्ट यूनिट में कवर हो जाते हैं जैसे लर्निंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से लेके वाइगॉस्की की थियोरी से लेके आपको हेल्प कर देते हैं इस यूनिट के क्वेश्चन सॉल्व करने में तो ये दस नंबर की यूनिट है बट इससे क्वेश्चन कई बार सात आठ भी देखने को मिल रहे हैं क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो हैं आपके है आपके कॉमन है उधर ठीक तो ये समझते हैं कि इनको हम कैसे तैयार करेंगे टोटल टॉपिक जो है आपके इक्कीस हैं पूरे सिलेबस को अगर आप देखेंगे ट्वेंटी वन टॉपिक्स जिसमें से अगर मैं देखूं बारह टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं यानी सारे टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं क्या यूनिट से सारे या सेक्शन से सारे ये जो तीन सेक्शन है भाई इसको आप यूनिट मान लीजिए आपकी मर्जी है ना सेक्शन वन या यूनिट वन ठीक यूनिट टू यूनिट थ्री क्वेश्चन सबसे आ रहे हैं ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हो है ना ऐसा नहीं है कि हैंग हो गया शायद कि नहीं आ रहे हूं लेकिन टॉपिक टोटल मिलाकर के तीनों यूनिट्स के 21 टॉपिक के आसपास हैं उसमें से 12 में से में ही क्वेश्चंस आपके आए हैं तो बारह इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं और ये पैटर्न हर बार रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है जैसे प्याजे वाइगॉस की कोलबर्ग मिलाकर के प्याजे वाइगॉस की कोलबर्ग आठ क्वेश्चन आते हैं इन तीन टॉपिक से आते हैं यूनिट वन पे बात करते हैं पहले फिर सिलेबस को डिटेल में चर्चा करेंगे सिलेबस से समझेंगे एक चीज देखिए तीन सेक्शन में तीस नंबर डिवाइडेड है अब ऐसा नहीं है कि दस 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 में डिवाइडेड हो नहीं अगर हम देखें सेक्शन वन यान जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास है यह है आपकी पंद्रह नंबर की यूनिट और ये पंद्रह दिखने की है वैसे अगर आप पेपर में देखेंगे तो अट्ठारह क्वेश्चन तक भी इस यूनिट से आ रहे हैं अगर आप रिलेट करके देखें पंद्रह तो मिनिमम ही है के आने हैं क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है सबसे बड़ी यूनिट भी यही है ठीक है अब सेकेंड है इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा कह देते हैं जिसको हम पांच नंबर इसकी वैल्यू है टॉपिक्स बहुत ज्यादा नहीं है जो आर डी एक्ट है डिसेबिलिटीज है वो सब यहाँ आ जाती है अगर मैं बात करूं करूँ की और वो कौन से टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में नहीं है बट आते रहे हैं और शायद आते रहेंगे पिछले दो तीन बार से नहीं आ रहे हैं जैसे आर टी एनसीएफ एन ई पी ठीक पेडेगोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका दस नंबर का टॉपिक है लेकिन इस दस में से कम से कम भी चार नंबर के आसपास की तैयारी कम से कम बोल रही हूं मैं यही पहली यूनिट से आपकी हो जाएगी तो पहली पहली यूनिट की इंपॉर्टेंस बीस से पच्चीस नंबर तक है अगर देखी जाए तो ट्वेंटी प्लस तो एटलीस्ट जो पहली यूनिट किसी ने अगर कर ली बीस नंबर से कम आप नहीं लाएंगे पेपर में मिनिमम है बीस तो क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन के भी जो टॉपिक्स हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जेंडर कल्चर ये सब पहली यूनिट में आ जाते हैं ठीक है ना अभी आप लोग नया शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये सिलेबस ये मैं हर साल कहती हूं कि ये जो सिलेबस है या ये जो सब्जेक्ट है ये इसलिए मुश्किल लगता है लोगों को क्योंकि हमने हिंदी इंग्लिश मैथ्स ई कभी ना कभी पढ़े होते हैं ये ऐसा टॉपिक या ये एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है टीचिंग मेथोडोलॉजी या पैडोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट या एजुकेशनल साइकोलॉजी या ये जो पॉलिसीज हैं जिनको हमने अलग से कभी पढ़ा नहीं होता बचपन से तो हमारे लिए नया हो जाता है कई बार कई बार बी एड डी एल एड बी टी सी इन सब में भी हम बस खाना पूर्ति के लिए पेपर में लिख करके आ जाते हैं तो या कॉन्सेप्ट क्लियर उतने अच्छे से नहीं होते फिर हमें सी टेट में दिक्कत होती है तो इसलिए इस टॉपिक को या इस पूरे सब्जेक्ट का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत जरूरी है जो ग्रेजुअली बनती है यानी जो धीरे धीरे बनती है जब आप डे बाय डे क्लासेस लेते हैं चाहे वो बैच में हो ऑफकोर्स बैच में तो हम पूरा कॉन्सेप्ट ही लेकर के चल रहे हैं YouTube की पुरानी क्लासेस हो तो वो डे बाय डे जब तक आप ग्रेजुअली एक डिसिप्लिन नहीं डेवलप करेंगे एक आदत नहीं डेवलप करेंगे तो वहां अचानक से पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा क्योंकि रटंत विद्या चलंतना ही मतलब रोट लर्निंग का तो काम चलता ही नहीं है आज से नहीं ऐसा नहीं हर बार आप देखेंगे इंटरनेट पर ये बात फैल जाती है कि अरे अब रटने वाले क्वेश्चन नहीं आते भाई कभी नहीं आते थे रटने वाले क्वेश्चन सीटेट में सीटेट में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही लगती थी अब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में भी और एक नेक्स्ट लेवल है जिसमें हम अजर्शन रीजनिंग क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं तो रोड लर्निंग से काम तो सीटेट में वैसे भी नहीं चलता था कभी लेकिन अभी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों वैल्यू और ज़्यादा है क्योंकि पूछने का तरीका क्वेश्चन को बेहतर हुआ है जब से ऑनलाइन होना शुरू हुआ था एग्जाम दो की मैं बात कर रही हूँ ये भी ऐसा नहीं है ओवरनाइट बदल गया हो इसी बार बड़ा मुश्किल पेपर दे दे कोई मुश्किल नहीं है पूछने का तरीका मुश्किल है बस क्योंकि हमें आदत नहीं है अजर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन करने की हमें आदत नहीं है थोड़ा सा दो जगह आपको फिल इन द ब्लैंक दे दे उस तरह के क्वेश्चन चूज करने की बोथ ए एंड बी सही होगा दोनों सही है दोनों गलत है इन सब में हम कंफ्यूज होते हैं और ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया चार नंबर के अजर्शन एंड रीजनिंग चार नंबर टॉपिक तो आसान है लेकिन क्वेश्चन मुश्किल बन जाता है कई बार पूछने के तरीके पर डिपेंड करेगा एक दो क्वेश्चंस करके भी देखेंगे तो एक तो हमें रटने पे फोकस ना कल करना था ना आज करना है स्पेशली सी टेट में यहाँ नहीं चल पाएगा और आपका मतलब आज की अंडरस्टैंडिंग आपकी हर जगह काम आएगी क्योंकि टीचर तो आप नहीं बन पाएंगे अगर पेडागॉजी की मेहनत अगर आपने नहीं की तो है ना ये बिल्कुल बेसिक सी बात है कि पैटागोजी आपको कभी भी पढ़नी पड़ेगी आप पीजीटी का भी एग्जाम देने जाएंगे तब भी आपको 20 नंबर 30 नंबर की पैडोगॉजी करनी पड़ेगी आप प्राइमरी टीचर के लिए जाएंगे वहां भी भर भर के पैडागोजी आती है है ना केंद्रीय विद्यालय से लेकर डीट प्लस बी से लेकर उत्तर प्रदेश में जो भी शिक्षक भर्ती आती है वैसे तो देखने को नदारद है मिल नहीं रही है बट हर जगह आपको ये काम आएगा जो आपका ये बेस है एक तरह से सीटेड पहली सीढ़ी है अगर मैं कहूँ चलिए समझते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट यानी पंद्रह नंबर इसमें कुछ टॉपिक्स हैं अभी मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करूंगी जो चाइल्ड डेवलपमेंट पे हम जाए सेक्शन वन पे या यूनिट वन जो आप कहना चाहें तीन यूनिट है तीस नंबर में ठीक है पहला कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग अब ये रिलेशनशिप विद लर्निंग की वजह से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो लास्ट वाली यूनिट में भी कॉमन है और यहां पे भी कॉमन है है ना तो आपको एक ही बार ठीक से पढ़ लेना है अगर मैं देखूं यहां तो ये यह पहला है और डेवलपमेंट जो टॉपिक है अपने आप में चार से पांच क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार भी अगर आप देखेंगे पांच क्वेश्चन के करीब डेवलप मैं पेपर वन पेपर टू तो दोनों की बात कर रही हूँ है ना पेपर वन अगर मान लीजिए मैं पांच पेपर टू की बता रही हूँ कि पांच क्वेश्चन आए हुए हैं तो पेपर वन में भी चार या तीन तो कम से कम आए ही हुए होंगे मैंने दोनों का एनालिसिस प्रॉपर किया हुआ है है ना हवा में तीर छोड़ना मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है थोड़ा सा परफेक्शन का कीड़ा रहता ही है तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मैं आपको बताई देती हूँ ना डेवलपमेंट में अगर ये पेपर टू की कहानी है कि पांच क्वेश्चन आए हुए हैं और अगर मैं पेपर वन की बात करूं तो पेपर वन में भी लगभग कहानी वही है तीन से चार क्वेश्चन है ठीक है इतनी बात क्लियर है समझते हैं <coughs> तो ये डेवलपमेंट अपने आप में पांच नंबर तक का टॉपिक है आपको ये मान करके चलना है और ऐसा हर बार होता है ये ऐसी बात नहीं है कि इस बार कम इस बार ज्यादा एक नंबर इधर उधर बस ठीक अगर इसमें आप तीन टॉपिक देख रहे होंगे नहीं देख रहे हैं तो मैं बता देती हूं ये प्याजे हैं ये वायगॉस की चचा है और ये कोहलबर्ग है ये तीन ऐसे टॉपिक हैं आप कोहलबर्ग से भी मिनिमम दो क्वेश्चन आ रहे हैं चाहे पेपर वन हो पेपर टू हो वायगॉस से चार से पांच क्वेश्चन आ रहे हैं प्याजे से मिनिमम दो क्वेश्चन आ रहे हैं और ये अब से नहीं है पिछले सीटेट को उठा लीजिए उससे पिछले सीटेट को उठा लीजिए फिक्स हो गई है ये चीजें कि दो चार छ आठ इन तीनों टॉपिक को मिला के आठ नंबर मिनिमम है और इवन कई बार कंस्ट्रक्टिविज्म यानी ये कंस्ट्रक्टिविज्मे और वाइगॉस की रचनावादी है तो एक क्वेश्चन रचनावाद पर दे देगा तब भी वो टॉपिक इसी में आ जाएगा है ना तो मिनिमम है कि आठ नंबर आपके सिर्फ इन तीन टॉपिक नंबर की यूनिट है इस पंद्रह में से आधे से ज्यादा तो ये तीन टॉपिक ले जाते हैं समझ पा रहे हो इंपॉर्टेंस तो अगर हम देखें यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं देखो ये क्लास बैच में भी चल रही है मैं आज कमेंट्स नहीं ले रही हूँ कल से आपकी क्लास सेपरेट होगी बैच की अलग यूट्यूब की अलग तो आप बस समझते जाइएगा क्योंकि मैं सिलेबस शुरू करने से पहले ये जरूरी है कि हम देख लें अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं कैसे बैच में अगर आप हैं आप बायलिंगल नोट्स से लेकर सब कुछ आपको एक साथ ही मिलेगा है ना कोई दिक्कत वाली बात है सच नहीं है चलिए आगे बढ़े समझे कहानी क्या है लाइक like शेयर करते रहना भाई एनर्जी लगती है अच्छा लगता है जब आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा होता है देखना पंद्रह नंबर में से अगर मैं देखूं प्याजे वेगोस्की कोहलबर्ग कितना है इसको बिल्कुल फिक्स्ड आठ नंबर आ ही रहे हैं, इन तीनों को मिला के ठीक तो ये सबसे ज्यादा जरूरी हो गए अगर मैं इंटेलिजेंस की बात करूं एक क्वेश्चन आता है एक ही क्वेश्चन आ रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करूं तो कुछ चार क्वेश्चन और किसी एक एग्जाम में छह या सात क्वेश्चन भी आए हुए हैं इंक्लूसिव एजुकेशन से ठीक है इस बार अगर आप देखेंगे तो ना तो आरपीडब्ल्यू डी एक्ट से कोई क्वेश्चन आया आरपीडब्ल्यू डी एक्ट है राइट ऑफ पर्सन विद डिबिलिटीज दो जिसको हम कहते हैं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम दो उससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है डिसबिलिटीज पे क्वेश्चन है डिसलेक्सिया क्या है डिस्कैलकुलिया क्या है है ना डिस्ग्राफिया क्या है या फिर अगर कोई बच्चा है जिसको एडीएचडी है तो उस, उसकी पहचान करनी है ठीक उस तरह के क्वेश्चन हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन पे आपके ये है टॉपिक पांच नंबर का कभी चार का आएगा कभी छे का आएगा कभी सात का भी आ जाएगा एक आध नंबर इधर उधर चलता है यूनिट्स में अब ये लर्निंग एंड पेडागोजी लर्निंग की कोई थियोरी आपको एस सच करने की जरूरत नहीं होती सी टेट लेवल पे सी टेट लेवल पे आपको बहुत भर भर के थियोरी नहीं पढ़नी कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं लर्निंग के बेसिक एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको लर्निंग का इंट्रोडक्शन लर्निंग के थोड़े से आपको सिद्धांत पता हो या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो कि लर्निंग क्या है ग्रेजुअल होती है लर्निंग एक प्रोडक्ट नहीं है प्रोसेस है प्रक्रिया है ये बात पता नहीं कितनी बार हमने डिस्कस की है और इस बार के पेपर में भी एज इट इज आई हुई है ठीक है ना तो ये लर्निंग और पेडोबोलॉजी पढ़ाएंगे कैसे इसमें एक टॉपिक आ जाता है मोटिवेशन मोटिवेशन पे कम से कम भी दो से तीन क्वेश्चन हैं इस बार अगर आप देखेंगे मुझे लग रहा है किसी एक पेपर में तो चार क्वेश्चन भी हैं पेपर वन या पेपर टू में से दोनों में से एक में तीन से चार क्वेश्चन तीन क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं आई थिंक तो मोटिवेशन यहां पे है थिंकिंग थिंकिंग वाला जो टॉपिक है जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग है ना ये आपके तीन क्वेश्चन आए हुए हैं थिंकिंग पे इस बार ठीक है तो तीन और दो पांच या तीन और तीन छह मान लेते हैं मोटिवेशन पे किसी एक क्वेश्चन मैंने एवरेज तीन लगा लिया किसी में चार है किसी में पांच है उस तरह से ठीक है ये दो बहुत महत्वपूर्ण है कॉग्निशन एंड इमोशन इस पे एक क्वेश्चन आता ही है इस बार भी आया हुआ है दोनों पेपर में आया हुआ है एक एक क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है कि कोई भी यूनिट छूट रही है बस किसी यूनिट से जो चीजें फिक्सड हैं वो उसी तरह से फिक्स जब मैं बता देती हूँ क्वेश्चन पेपर में आया कहां से नहीं है देखो इन तीनों यूनिट्स के अलावा जो मैं सिलेबस आपके साथ डिस्कस करूंगी उसमें कौन सी चीज मैंशन नहीं है उस पर चर्चा करते हैं देखना इसी में सीसी जो असेसमेंट वाला टॉपिक है दो नंबर के क्वेश्चन दो दो नंबर के क्वेश्चन तो दो दोनों दो दो पेपर में है उससे भी इस बार है ना जो कि आते ही है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से चार पांच क्वेश्चन एक साथ आया करते थे अभी उनको डिवाइड करके एक एक दो दो नंबर में दिखा दिया है अब ये जो तीनों यूनिट है इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको सिलेबस में यहां डायरेक्ट नहीं दिखेंगे और वो दो तीन ही टॉपिक हैं ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं अदरवाइज आप सिलेबस के अनुसार पढ़ लीजिए आपको दिक्कत नहीं आएगी है ना या फिर आप बैच में हैं तो आपको वैसे भी नहीं सोचना कुछ और ठीक है समझते हैं कि पहले वो टॉपिक कौन से हैं फिर हम आएंगे सिलेबस डिस्कस करेंगे ठीक अगर हम देखें कि कौन से वो टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में मैंशन नहीं है और वो कौन सी यूनिट में आएंगे वो यूनिट वन में आएंगे यूनिट टू में आएंगे यूनिट थ्री में आएंगे ये जो यूनिट्स आपके सामने मैंने लिखी हुई है समझते हैं अगर मैं देखूं देखो इंक्लूसिव एजुकेशन सिंपल है सभी बच्चों को इंक्लूड करके चलना है। चाहे किसी बच्चे को देखने में दिक्कत हो आ, सुनने में दिक्कत हो धीरे सीखता हो तेज सीखता हो यही इंक्लूसिव एजुकेशन का सार है कि हमें सबको साथ लेके चलना है अब यहां पर एक है आपका आरपीडब्ल्यू एक्ट डायरेक्ट नहीं है बट इंक्लूसिव एजुकेशन लिख दिया तो आप खुद समझ जाइए कि ये इसमें पूछा ही जाएगा है ना इस बार हालांकि डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 2020 दो की जो शिक्षा नीति है अब ऐसा नहीं है क्रिटिकल थिंकिंग पे पहले क्वेश्चन नहीं आते थे समालोचनात्मक चिंतन पे पहले भी आते थे आज भी आते हैं कल भी आते रहेंगे बस एनएपी के कॉन्टेक्स्ट में पूछ लेगा जो कि इस बार डायरेक्टली पूछा एनएपी का कहीं जिक्र नहीं है पूरे पेपर में अगर हम देखें यहां पर एक आपका टॉपिक है एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क दो यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा दो अब ये दो का भी एक डॉक्यूमेंट है और अभी दो वाला भी आ गया है फुल्ली इंप्लीमेंटेड नहीं है बट डॉक्यूमेंट तो है हम पढ़ सकते हैं चाहे तो इन तीनों में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया डायरेक्टली है ना एक भी क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा गया 2023 तो मैंने कराया भी नहीं था इस बार क्योंकि मुझे पूरा आसार प्रीवियस पेपर के पैटर्न को देखते हुए समझ में आ रहा था कि 2023 नहीं पूछेंगे ठीक है ना क्योंकि समय भी कम था हमारे पास जो लास्ट पेपर हुआ है उसमें दो महीने के आसपास इन्होंने समय दिया था तो अगर हम यहां पे देखें अगर हम यहां पर देखें तो ये कुछ तीन टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिलेबस में नहीं मिलेंगे एक और टॉपिक है आपका छोटा सा राइट टू एजुकेशन एक्ट आर एक्ट 2009। हजार एक्ट 2009 इससे भी खूब क्वेश्चन भर भर के आते रहे हैं आज से पहले भी तो ये चार ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगे सिलेबस में बट ये एग्जिस्ट करते हैं ठीक है ना ये आते हैं आ सकते हैं आपको पढ़ लेने चाहिए अगर आप बैच में हैं तो पढ़ाए ही जाएंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन क्योंकि ऑफलाइन में पता है क्या हुआ ऑनलाइन में खूब भर भर के क्वेश्चन आते थे सबसे क्योंकि ऑनलाइन में सेट इतने बनते हैं एक महीने तक पेपर चलता है अब तीस दिन पेपर होगा तो सेट इतने सारे बनेंगे सब तरह के क्वेश्चन डाले जाते हैं ऑफलाइन में एक ही सेट है यही सेट है उसी के क्वेश्चन आपको दूसरा सेट भी अगर दो सेट हैं टोटल तो उसी में भी क्वेश्चन ऊपर नीचे वही क्वेश्चंस आपके रहते हैं कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इनको बनाने की जरूरत हो तो उस केस में यहां पे ऐसा नहीं हुआ कि इससे भी क्वेश्चन इससे 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 भी इससे भी इससे भी क्वेश्चन 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 बट स्टिल आपको पढ़ने चाहिए ये बात हम रख सकते हैं ध्यान में कि ये आउट ऑफ सिलेबस सिलेबस कह लो आप इसको नहीं तो ये तो का ही पार्ट है अगर देखा जाए तो ये पेडोगलॉजी का ही पार्ट है ये जो लास्ट यूनिट है उसी के अंदर इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए इसको भी और इसे भी इंक्लूसिव एजुकेशन में ही ये चला जाएगा तो ऐसा नहीं है सब चीजें रिलेटेड है जैसे मेटाकॉग्निशन एक टॉपिक आता है तो वो कॉग्निशन का ही पार्ट है ठीक है ना आते हैं सिलेबस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से ये आपका सेक्शन वन है पंद्रह नंबर का है ना सेक्शन वन फिफ्टीन सीक्वेंस में मैं और आप चलने वाले हैं बैच में अगर आप लोग जुड़े हुए हैं करियर लैब पे देखो अगर आप थोड़े से सीरियस हैं और आपको लगता है कि यार डेली बेसिस पे क्लास हो जाए एक कॉन्टिन्यूटी बन जाए और कोई मैं बैठूं और मुझे समझा दे इवन जो नोट्स हैं इस बार बिल्कुल चेंज कर दिए हैं जो आप पेडोलॉजी स्पेशल में भी एकदम डिफरेंट नोट्स दिए हैं उसी तरह के नोट्स आपको सीटेट में भी मिलेंगे एकदम बाइलिंग मिलेंगे और वो नोट्स मतलब कोई भी नहीं देता अभी अगर आप टीचिंग में देखेंगे आपको उस क्वालिटी के नोट्स या उस तरह के नोट्स नहीं मिलेंगे तो वो आप खुद से एक्सपीरियंस करना कल को लोग करने लग जाए बात अलग है और ये बात मैं बिल्कुल ओपनली कह सकती हूं क्योंकि उस पर काम किया गया उसी तरह का ठीक है तो करियर वेल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से भी जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं कोर्स में सी के पेपर वन पेपर टू पेपर वन प्लस टू सभी बचेज में एनरोलमेंट आपका ओपन है कहीं और किसी और टेलीग्राम चैनल वेबसाइट पे मेरे नाम से प्लीज मत जुड़िएगा आपका नुकसान होगा वो कोर्सेज चलते नहीं है बाद में फिर लोग परेशान होते हैं इस तरह के क्वेश्चन हैं एक दो हम सॉल्व भी करेंगे दो घूट पानी पी लूँ यार फिर चर्चा करेंगे कि क्या हम कर सकते हैं इसके बारे में देखो प्रैक्टिस के लिए अगर आप कह रहे हो और आप खुद से ही तैयारी करने के मूड में हो सिर्फ की वेबसाइट पर चले जाओ जो चार साल तक के पेपर हैं 2018 के बाद के जो भी पेपर हुए हैं उतने आप कर लो कोई आपको 2011 से करने की जरूरत नहीं है वही पैटर्न फॉलो हो रहा है नए पैटर्न पे और कुछ नहीं है सिलेबस सेम ही है अगर सिलेबस आप अच्छे से कर लेते हो पेपर आपसे सॉल्व हो जाएगा बस प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखना है प्रैक्टिस के लिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं देखना हर है टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे उसके साथ फिर क्वेश्चन भी करेंगे यही तरीका हमारा रहता है पहली यूनिट है पहला सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट का जिसमें टॉपिक कितने हैं टोटल नंबर वन से ये मैंने प्रॉपर टाइप कराए हुए हैं टॉपिक वाइज बारह टॉपिक हैं ठीक फिर सेक्शन टू में आएंगे इसमें टोटल कितने टॉपिक हैं तीन टॉपिक हैं टोटल हो गए पंद्रह अच्छा सेक्शन थ्री में आए पंद्रह और तीन अट्ठारह ये मैंने इसको और ज्यादा जो कॉमन टॉपिक्स है उसको थोड़ा सा और सिम्प्लीफाई वे में यहाँ पे टाइप कराया हुआ है अगर आप ऑफिशियल uh, सिलेबस ही है ये वैसे बट ऑफिशियल सिलेबस की लैंग्वेज के हिसाब से जाएंगे तो इक्कीस टॉपिक है वो तीन टॉपिक मैंने साथ में जोड़ दिए हैं और मैंने आपको बताया बारह टॉपिक से क्वेश्चन आया है ठीक आते हैं फटाफट से पहले लास्ट यूनिट से शुरू करें या फर्स्ट से ही करते हैं देखना चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास बालक का विकास होता कैसे है पेपर वन में क्वेश्चन पूछा जाता है छह से ग्यारह वर्ष के बच्चे के लिए और पेपर टू में क्वेश्चन पूछा जाता है ग्यारह से चौदह वर्ष के बच्चे को ध्यान में रखकर बट आपको ये भूल जाना है बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है बस एक बार दिमाग में आ गया खत्म क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका सिलेबस एकदम सेम है आपके सामने अगर मैं क्वेश्चन पेश कर दूं पेपर वन पेपर टू मैं दोनों के हिसाब से ही चलती हूं दोनों के ही क्वेश्चंस भी कराती हूं टॉपिक एकदम सेम है कोई अंतर नहीं है बस आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप पेपर वन की कर रहे हैं तैयारी या है, पेपर टू की ये सब्जेक्ट कॉमन है दोनों में सिलेबस भी एकदम कॉमन है ठीक है ना चलिए अभी मैंने बताया उतना ही अंतर है कि अजर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन पेपर वन में आए हैं चार और पेपर टू में छह आ गए बस इतना ही है और कुछ नहीं देखिए बाल विकास की अगर हम बात करें पहली यूनिट फटाफट से छह टॉपिक पहले समझते हैं बारह टॉपिक हैं टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग विकास का संप्रत्य एवं अधिगम के साथ संबंध यानी डेवलपमेंट होता क्या है बच्चे का विकास कैसे वो वूंग से मां के गर्भ से कब्र तक कैसे चीजें चलती हैं कैसे वो किस एज में क्या सिखाएं उसको क्या स्टेजेस हैं अकेले डेवलपमेंट से पांच नंबर के क्वेश्चन है है ना चाहे वो टाइप हो डेवलपमेंट का चाहे वो मोटर डेवलपमेंट हो ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स है ना टोटल और एक लर्निंग यानी अधिगम कैसे होता है इसका रिलेशन क्या है साथ में तो ये आप कह सकते हो कि अकेला पांच नंबर का टॉपिक है यहां कहीं लिखा नहीं हुआ बट आप हर साल उठा करके देख लीजिए मिनिमम चार नंबर में आपको मिलेगा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट विकास के सिद्धांत ये भी इसी के अंदर है ये तीनों टॉपिक को मिलाकर के आप पाँच नंबर कह सकते हो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट एन क्योंकि ये डेवलपमेंट ही है ये शुरू के तीनों टॉपिक डेवलपमेंट ही है और इनमें कई सारी क्लासेस लगती है समझने में ठीक है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट एन ये टोटल तीनों को मिला के पाँच नंबर आप आराम से मान सकते हो सोशलाइजेशन प्रोसेस पे इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है पेपर टू में पेपर वन में है लेकिन ये फिर इनडायरेक्टली पूछ लेता है सोशल लर्निंग लोगों के साथ कैसे सीखेगा तो वो आप टॉपिक्स मर्ज होते हैं काफी सारे तो सोशलाइजेशन प्रोसेस वैसे एक नंबर में पूछी जाती है से आते हैं। और की तुलना में। से कम से कम भी चार क्वेश्चन आ रहे हैं अकेले वायगॉस से और इन दोनों से मिलकर के चार आ रहे हैं ठीक है ना तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें आठ नंबर ये हो गए पांच हमने अभी बात की तो आठ पांच हो गए तेरह दो ही नंबर की कहानी बची है इसके आगे लेकिन कई बार होता क्या है कि अगर मान लो अब तो पिछले तीन बार से प्याजे को आठ क्वेश्चन पूछ रहे हैं याद पूछ चार -चार क्वेश्चन या पूछा जा रहा है तो पढ़ना तो हमें सब कुछ ही है ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक छोड़ के जाना है प्याजे वैगोस्किन कोलबग से आठ क्वेश्चन बन रहे हैं आठ के पांच हो सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं होगा आठ के दो हो जाएंगे वो पॉसिबिलिटी नहीं है ठीक है ना तो चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा बच्चे को कैसे सेंटर में रखना है मतलब किसी भी काम को कराते हुए बच्चा सेंटर में है केंद्र में है टीचर उसके हिसाब से फुल प्लानिंग करे तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इंपॉर्टेंट है बट अभी एक से दो नंबर ही रह गया है अगर मैं पिछले कई बार का एनालिसिस करूं नहीं तो ये तीन से चार नंबर में आता ही था कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इस पर एक क्वेश्चन फिक्सड है मैक्सिमम दो आ जाते हैं मैग्जिम दो इन दोनों टॉपिक को मिलाकर के आते हैं मल्टी डायमेंशनल इंटेजेंस जिसको हार्वर्ड गार्डनर की थियोरी कह सकते हैं थियरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैं बता दूंगी आपको सीटेट में कौन सी कौन सी थीरी इंपॉर्टेंट है प्याजे वाइगॉस की कोलबर्ग आपकी गार्डनर की थियोरी ये चार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थियरीज हैं इसके अलावा आपको अलग से थियरी के रट्टे नहीं लगाने चाहिए आपकी इच्छा है बहुत ज्यादा तो बात अलग है अदरवाइज ये चार थियोरीज के अलावा बाकी आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना चाहिए ठीक है ना तो मल्टी डायमेंशनल यानी गार्डनर से इस बार भी एक क्वेश्चन है इंटेलिजेंस से जनरली दो क्वेश्चन आ जाते हैं बट एक ही आया हुआ है तो इंटेलिजेंस से या तो एक क्वेश्चन आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस आई क्या है ये क्या है या फिर गार्डनर की थ्योरी से डायरेक्ट दो नंबर में से एक दो टॉपिक है एक क्वेश्चन जरूर आएगा दोनों भी आ सकते हैं लैंग्वेज एंड थॉट लैंग्वेज डेवलपमेंट पे एक क्वेश्चन है ये मैंने डेवलपमेंट में ही ऐड कर लिया था क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट भी जब हम डेवलपमेंट पढ़ रहे होते हैं वहीं कर लेते हैं तो एक नंबर में आता है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट लिंग एक सामाजिक संरचना के रूप में एक नंबर का टॉपिक है है ना कई बार अलग से पूछ लिया तो तो दो नहीं तो वैसे ये एक ही एक नंबर में में आता है क्योंकि वो फिर इंडिविजुअल भी काउंट हो जाएगा कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मर्ज होते हैं आपस में जो दो टॉपिक्स में चले जाते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये बहुत महत्वपूर्ण है ऐसा कोई पेपर नहीं मिलेगा जहां इंडिविजुअल डिफरेंसेस से क्वेश्चन ना हो व्यक्तिगत विभिन्नताएं बच्चे के जेंडर के आधार पे उसकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे उसकी जाति उसके रंग उसकी कोई भी एबिलिटी के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे डील करना है बच्चे अलग अलग होते हैं क्लास में उनको कैसे डील करना है ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है यह डायरेक्ट मिले ना मिले इनडायरेक्ट जरूर मिलेगा क्वेश्चन डायरेक्टली भी आता है एक आध क्वेश्चन लेकिन इनडायरेक्टली इंडिविजुअल डिफरेंसेस और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को मिला के पता नहीं आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जिनका आपको पता भी लगेगा कि किस टॉपिक से हैं जैसे मैं अभी दिखाऊंगी एक क्वेश्चन फिर लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड सीसीई यानी एंड सिव एवेल्यूशन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इस बार भी आया हुआ है क्वेश्चन के एफ ए क्या होता है एस से क्या होता है असेसमेंट पे जो बातचीत है दो क्वेश्चन आए हुए हैं सीसीई सी, से और एक क्वेश्चन दूसरे पेपर में मतलब पेपर टू में दो आए हुए हैं पेपर वन में एक तो मिनिमम एक क्वेश्चन तो आएगा ही मैक्सिमम दो भी आ जाएंगे ठीक है ना तो ये एक बेसिक सी बात हुई किसकी यूनिट की आपकी यूनिट वन की जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है मैं टिक लगा देती हूं आपका प्याजे वाइकॉस कोलबर्ग और डेवलपमेंट ये सबसे महत्वपूर्ण है उसके बाद आपके लिए फिर बराबर का ही महत्व रखते हैं सब एक एक नंबर के ही टॉपिक हैं अगर उन दोनों को छोड़ दें तो इसको प्याजे वाइगॉस की कोहलबर्ग और डेवलपमेंट ये दो ऐसे टॉपिक हैं मैंने इनमें कई सारे टॉपिक हो गए अपने आप में चार टॉपिक हैं अगर देखा जाए प्याजे को वाइगोस्कलबर्ग को कोहलबर्ग को और साथ में डेवलपमेंट तो ये चार टॉपिक अपने आप में तेरह नंबर के आसपास का स्कोप है या वेटेज है इनकी बाकी सब तो एक एक नंबर में आए नहीं तो कई बार ऐसा भी हो रहा है कि कोई जैसे चाइल्ड सेंटर डायरेक्ट नहीं है इस बार इंडिविजुअल डिफरेंसिस डायरेक्ट नहीं है इस बार अब आते हैं सेक्शन टू पे पांच नंबर का आपका सेक्शन टू है या यूनिट टू है इंक्लूसिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन सी डब्ल्यू एस एन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कह देते हैं हम पांच नंबर की समावेशी शिक्षा है जिसमें सिर्फ तीन सब टॉपिक हैं काम के आपके उस तीन सब टॉपिक्स आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे ये है आपके तीन सब टॉपिक जितनी भी डिसेबिलिटीज हैं डिसलेक्सिया क्या है डिस्केल्कुलिया क्या है एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग एंड डिस बच्चे यही बात आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे यदि सही टीचर से पढ़ रहे हैं मैं तो करती हूँ देखो डिस्कस मैं चीज़ें कनेक्ट करके बहुत ज़्यादा डिस्कस करती हूँ क्योंकि मतलब बहुत टाइम हो चुका है अभी आठ साल हो जाएंगे इस साल सी के लिए डिस्कशन करते हुए है ना और उन आठ साल से पहले भी दो तीन बार सी निकाल लिया था उसी समय पर तो ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो गया और आप लोगों का इतना बढ़िया रिस्पॉन्स रहा है एक सौ पता नहीं कितने सारे लर्नर्स हैं थर्टी आउट ऑफ थर्टी की तो गिनती ही नहीं है कि अगर किसी के नंबर एक सौ इक्कीस भी आ रहे हैं पेपर में तब भी वो तीस में से तीस लेके आता है तो अगर हम देखें डिसएडवांटेजेस एंड डेप्राइव तो मैं चीजें कनेक्ट करके पढ़ाती हूं ऐसा नहीं है आपको वही टॉपिक चार जगह तोड़ तोड़ के बिना मतलब परेशान किया जाए उसी तरह से पढ़ाया जाएगा कि एक बार पढ़ा और उस तरह के कितने भी क्वेश्चन होंगे तो सॉल्व हो जाएंगे तो वंचित समूह है वो विभिन्नताओं वाले बच्चे एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफिकल्टीज देखो इस बार बहुत ही अच्छे से पूछा हुआ है और मैं ये डिस्कस करती हूँ कि इंपेयरमेंट और हैंडीकैप में हैंडीकैप में क्या अंतर है तो ये अपने आप में कितना मतलब लगता है इंसान को क्या ही पूछा जाएगा डिफिकल्टीज क्या है लर्निंग डिफिकल्टीज वही डिस्लेक्सिया डिस्कैलकुलिया डिस्ग्रैफिया लिखने की संबंधी जो समस्या है डिस्केक्सिया की अगर हम बात कर रहे हैं पठन संबंधी जो समस्या है डिस्ग्राफ लिखने संबंधी डिस्कैल्कुलिया कैलकुलेशन है ना तो यहां से क्वेश्चन आता है ये अधिगम अक्षमताओं वाले बच्चे इंपेयरमेंट और हैंडीकैप में क्या अंतर है ये भी समझना जरूरी हो गया है अड्रेसिंग विद टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स भाई अगर हम बात करें क्रिएटिविटी भी तीन प्रकार की है है ना अगर या गिफ्टेडनेस भी तीन प्रकार की है जिसमें टैलेंटेड बच्चा भी है क्रिएटिव भी है और आपका जो टैलेंटेड uh, uh, भी है गिफ्टेड भी है और क्रिएटिव भी है तीन प्रकार हैं तो वो उस तरह से लेकर के हम चीजें चलेंगे कि सभी प्रकार के बच्चे इसमें आपके कवर हो जाएं जो स्लो लर्नर है कुछ चीजें डायरेक्ट दिख रही होंगी कुछ चीज़ें जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो निकल करके आएंगी क्योंकि वो इन डेप्थ में वो व्यक्ति आपको ज्यादा बेहतर तरीके से ले जा पाएगा जिसने एक्सपीरियंस किया हो इस चीज़ को तो वो आप जिम्मेदारी मेरे ऊपर बिल्कुल छोड़ सकते हैं आपको उस चीज की टेंशन नहीं है आराम से हम सिलेबस खत्म करते हैं डेली आपकी क्लास होगी कल शाम छः बजे से आपकी बैच में क्लास होगी ठीक है ना पेपर टू पास नहीं हो रहा अंशु इसका मतलब एस या मैथ्स एंड साइंस की एनसीआर आपने ठीक से नहीं पढ़ी या ठीक से आपने बैच में अगर एनरोल किया है तो वहाँ आप नहीं पढ़ रहे हैं या किया ही नहीं होगा अभी तक ठीक लर्निंग एंड पेडागोजी थर्ड यूनिट है दस नंबर की टॉपिक कितने हैं सिर्फ तीन काम के टॉपिक तीन ही है इसमें दो टॉपिक और एक्स्ट्रा सिलेबस में दिए हुए हैं मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी हाउ चिल्ड्रन थिंक एन लर्न तो टाइप्स ऑफ थिंकिंग यहाँ आ जाती है एंड वाई चिल्ड्रन फेल फेल क्यों होते हैं भाई लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है अलग से थियोरी नहीं है मोटिवेशन मोटिवेशन के भी कई सारे टॉपिक्स हैं दो क्वेश्चन मोटिवेशन से आए हुए हैं इस बार ठीक अगर हम देखें ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन एंड एयरस इस बार यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि ऐसा होता नहीं कि यहाँ ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन यानी वैकल्पिक अवधारणा से क्वेश्चन ना आए तो पढ़ के हमें ये बिल्कुल जाना है ये नहीं सोचना कि इस बार नहीं आया तो अगली बार नहीं आएगा भाई सिलेबस में है सिलेबस को इंपॉर्टेंस दो तो, जो ये कहता है कि सिलेबस पर ध्यान ना दो वो दिक्कत में आएगा कल को क्योंकि या तो आप ठीक जगह से पढ़ रहे हो नहीं तो फिर आपको सिलेबस ही फॉलो करना है आंख बंद करके देखिए अच्छा इसमें एक और टॉपिक है वो कॉग्निशन एंड इमोशन वाला जिसपे एक नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है और हर साल ही आता है संवेग एवं संज्ञान ठीक है रट गया सिलेबस मतलब समझते समझते भी रट गया सोचो ऑटोमेटेड हो गई है चीज़ें क्योंकि पता नहीं कितनी बार कितने बैच, बैचेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है तो अच्छा लगता है बट uh, सिलेबस देखो नेक्स्ट टाइम क्या पता बदल ही जाए है ना क्या पता क्या बहुत स्ट्रांग प्रॉबिबिलिटी है कि बदल जाए तो ये कहानी है आपकी ये दस नंबर के टॉपिक है इनमें से कई टॉपिक आपके प्रीवियसली हो जाएंगे जैसे लर्निंग के कुछ कॉन्सेप्ट हैं थिंकिंग के कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हम पीछे ही डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है थिंकिंग क्योंकि डायवर्जन थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग और भी कई सारे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की अगर हम बात कर रहे हैं सोशल लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी और मोटिवेशन ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कल छः बजे स्टार्ट होगा भाई ऐप पर जो है बैच जो सीटेड का बैच है करियरवल ऐप पर और अगर मैं बात करूं आपकी बैच में क्लास हाँ छः बजे से होगी ये आपकी कॉमन क्लास है हो सकता है एक क्लास और यूट्यूब पे लगा दी जाए कल वाली भी बाकी फिर आपकी क्लासेस अलग चलेंगी यूट्यूब पे हम क्वेश्चन आंसर या बाकी डिस्कशन करेंगे बैच में फिर क्लास अलग चलेगी थोड़ा सा तसली पूर्वक हो पाती है वहां चीजें क्योंकि यूट्यूब पे कई बार डिस्ट्रैक्टिंग भी हो जाता है क्योंकि आप पढ़ने की वीडियो देख रहे हैं साइड में किसी और का सजेशन आ रहा है तो उस तरह की चीज़ें भी होती हैं या बीच बीच में एड आ रहे हैं ये सब होता है और रेगुलर बेसिस पे आपकी एक सीरियसनेस भी आती है जब जेब से दो रुपए खर्च होते हैं तो कोर्स के थोड़े से फायदे ये हैं चलिए खैर ये एक बेसिक बात हुई तो अब हमें क्या करना चाहिए ये सिलेबस आपको मिल जाएगा ऐप पर भी और और भी टीचर्स की डेमो क्लासेज जो आपको ऐप पे मिल जाएंगी ये सिलेबस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ यही आपको प्रॉपर बाइलिंग्वल लिख करके दिखा दिया गया था ये आपका सी का ऑफिशियल सिलेबस है इसी को बाइलिंगल फॉर्म में और थोड़ा सा ईजी वे में बना करके यहाँ आपको दिखाया था ठीक है जी चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे कोई और ये जैसे एक क्वेश्चन है एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक मिनट रुकना आप देखना जैसे अजर्शन और रीजनिंग के खूब क्वेश्चन आते हैं अब जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं और जिसने प्रैक्टिस नहीं की वो यहां फंसेगा अभी कथन एवं कारण अब एक कथन होगा कथन क्या है विद्यालय पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए यानी स्कूल करिकुलम शुड गिव रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू टू लर्नर्स कल्चरल नॉलेजेस यानी बच्चा जो सांस्कृतिक ज्ञान लेकर के आया है यानी उसको पता है रंगोली कैसे बनाते क्योंकि उसने दीपावली पर बनाई थी उसने दुर्गा पूजा देखी है, मान लीजिए बच्चा आ, कलकत्ता से है तो उसकी उसे नॉलेज है अपने कल्चर की उसने कोई और त्यौहार उसने कोई आ, मतलब कोई और त्यौहार मनाया है मान लीजिए ईद मनाई है मान लीजिए कुछ और कोई और त्यौहार मनाया है होली सेलिब्रेट कर की है यानी अपने कल्चर में जो भी वो देखता है चाहे वो आराधना का या पूजा का या मतलब आ, जो भी भगवान को याद करने का तरीका हो क, पहनावा हो कोई किसान परिवार से आता है या एक उस तरह के माहौल से आता है तो बच्चा जो भी लेके आ रहा है घर से वो काम की चीज है तो अब यहां पे पूछा क्या है स्कूल करिकुलम शुड गिव रीजनेबल स्पेस स्पेस यानी ठीक ठाक देना चाहिए एक्सेप्टेंस होनी चाहिए स्वीकार करना चाहिए स्कूल करिकुलम को कि बच्चा जो भी कल्चरल नॉलेज लेकर के आता है यानी बच्चा खाली तख्ती नहीं है ब्लैंक स्लेट नहीं है कोरा कागज नहीं है वो अपना अनुभव लेके आया है स्कूल में तो इस चीज के लिए बच्चे के अनुभव को एक्सेप्ट करने के लिए स्कूल के करिकुलम में करिकुलम क्या है जो भी चीजें जो भी एक्टिविटीज स्कूल में हो रही है सिलेबस एक पार्ट है 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 करिकुलम करिकुलम का तो स्कूल शुड गिव रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू बच्चे की कल्चरल नॉलेज को क्या ये बात गलत है? बिल्कुल सही है। अब ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में भी जाएगा ये टॉपिक ये टॉपिक लर्निंग में भी जाएगा कैसे अभी देखना रीजन में पूछा हुआ है है ना ये बच्चे के डेवलपमेंट में भी जाएगा जब हम सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो ये टॉपिक पता नहीं कितनी जगह पर जोड़ सकते हैं आप अगर ठीक से पढ़ा और पढ़ाया गया हो तो है ना जो रट्टू तोता जिनको हम कहा जाता है या तोती जो आपका मन करे तो जो लोग पढ़ाते उस तरह से या पढ़ते उस तरह से हैं, उनका तो देखिए कोई मतलब भगवान ही मालिक है फिर वही वाली बात है अदरवाइज अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ही होंगे है ना आपके पास नॉलेज ज्यादा होगी क्वेश्चन कम पड़ जाएंगे रीजन क्या है इसका रीजन क्या है? पूछा है इन्होंने कहा है कि भाई कल्चरल नॉलेज को महत्व देना चाहिए ये बात तो सही है हमें बस इतना ही चेक कर लेना है कि क्या ये बात सही है विद्यालय पाठ्यक्रम को या पाठ्यचर्या को स्पेस देना चाहिए बच्चे के अनुभव को बिल्कुल देना चाहिए बच्चा जो भी लेके आए सब अच्छा है ठीक राइट right. इसका रीजन है सपोर्टिंग स्टूडेंट्स टू अपहोल्ड देयर कल्चरल आइडेंटिटीज फैसिलिटेट लर्निंग यानी विद्यार्थियों को यदि हम उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में समर्थन प्रदान करें हैं तो बच्चा आसानी से सीख पाएगा यानी आप जब चैप्टर पढ़ा रहे हैं कोई भी तीज त्योहार का या मान लीजिए जो भी बच्चे के घर के आसपास जो चीजें होती है उसने अपने कल्चर में देखा है तो वो नॉलेज वो वहां अप्लाई कर पाएगा सीखने में आसानी होगी तो कल्चर हेल्प कर देगा वहां दोनों बातें सही हो गई लर्निंग में मदद मिलेगी तो अभी ये टॉपिक सोशलाइजेशन का भी है अब ये टॉपिक कल्चर का भी यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी है अब ये टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन का भी हो गया अब ये टॉपिक आपका लर्निंग का भी हो गया है ना तो बेसिक कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का भी हो गया कितने सारे टॉपिक है जो एक साथ मर्ज हो जाते हैं आप पहली यूनिट अच्छे से कर लेंगे आपका सेवन परसेंट काम खत्म हो गया है से कोई एक भी गलत हो तो वही बात बिगड़ जाती थी। ठीक एक और क्वेश्चन है जैसे कि ये क्वेश्चन पता नहीं हम कितनी बार कर चुके हैं जब आजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आते थे तब से ये क्वेश्चन आता है दो में पहली बार पूछा गया था पेपर टू में अब बस प्रीवियस ईयर इतने रिपीट होते हैं बस तरीका बदल जाएगा थोड़ा सा पूछने का देख लेते हैं भाई अजर्शन क्या है स्टेटमेंट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट है चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर ये बात हम कितनी बार कर चुके हैं मैराथन में भी बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है यानी आपके घर के बच्चे का बचपन या मेरे घर के बच्चे का बचपन अलग होगा और एक बच्चा जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है बाहर उसका बचपन का अनुभव अलग होगा वो दिन में गुब्बारे बेचने निकलता है बिना चप्पल के खुद से बस में चढ़ जाता है और आपके घर के बच्चों को दूध चाहिए होता है सुबह हाथ में और पापा गाड़ी से छोड़ के आते हैं या बाइक से छोड़ के आते हैं स्कूल में या स्कूल बस आती है बचपन एज सेम है बट बचपन अलग हो गया समझ तो पा रहे हो ना बात इसलिए चाइल्डहुड यूनिवर्सल नहीं है स्टेज यूनिवर्सल है ठीक है ना रीजन क्या है इसका चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल बच्चे का जो विकास है वो यूनिवर्सल है ये कहना गलत होगा जब भाई यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यूनिवर्सल है कि छह से बारह वर्ष का बच्चा लेटर डेवलपमेंट लेटर चाइल्डहुड में आएगा ये सबको पता है लेकिन छह से बारह बच्चों का अनुभव सेम होगा होगा ये कहना गलत गलत तो ये तो तो ए ए सही था बट बट आर आर हो गया है ना? A is true, but R is false. तो है ना इज इज ट्रू फॉल्स बस यही तरीका कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा आप निकाल दोगे इन क्वेश्चन से डर थोड़ी लगेगा इनफ प्रैक्टिस करके गए हो निकल जाएगा प्रैक्टिस में यूट्यूब पर भी कराती हूं ऐसा थोड़ी तो ये एक बेसिक सी बात थी ये तीस में से तीस नंबर आप कैसे लाएंगे देखिए तीस में से तीस नंबर लाने के लिए अगर आप Uh, मैंने नोट्स वगैरह भी दिए हुए हैं वो आप पढ़ लीजिए अगर आपको लग रहा है आप बेस्ट बिल्कुल नहीं ले पाएंगे तो आपको फ्री नोट्स भी दिए हुए हैं ऐसा नहीं आपको इधर उधर भटकना है बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करेंगे ये करेंगे वो करेंगे नहीं करना वो सब एनसीएफ एफ एक सौ दस पेज का एनसीएफ लेके जाएंगे एनसीईआरटी जाके या वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे वो आप ना तो पढ़ पाएंगे ना जरूरत है तीस नंबर में उतना करने की है ना क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी की वैल्यू जो है दो से चार नंबर की है उससे ज़्यादा नहीं है और वो भी पिछले दो बार से तो पूछी भी नहीं जा रही जब से ऑफलाइन एग्जाम वापस से हुआ है दो से तीन बार ठीक तो यहां पे सिंपल ध्यान रखना है वो जो फ्री नोट्स दिए हुए हैं या तो वो पढ़ लो बेहतर ये होगा कि आप बैच में एनरोल कर लें उसका रीजन सिंपल ये नहीं है कि मतलब ठीक है हमारे पास फीस आएगी वो एक डिफरेंट चीज़ है हम इतने सालों से ये चीज़ें कर रहे हैं और ऑलरेडी बहुत सारे लर्नर्स एनरोल्ड हैं तो वो एक अलग कहानी है वो मतलब उस चीज़ को साइड में रख के यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि ये अपने आप में एक तो सब्जेक्ट नया है दूसरा लर्निंग ग्रेजुअल है ये हम पढ़ेंगे यानी लर्निंग धीरे धीरे होती है एक दिन में आप सारा खाना खा जाएंगे और एकदम से बड़े हो जाएंगे पौधे को सारा खाद एक ही दिन में दे दीजिए सारा पानी एक ही दिन में दे दीजिए वो खत्म हो जाएगा मर जाएगा तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सब कुछ भर लें एक दिन में मैराथन देख लें वो रिवीजन के लिए काम में आती हैं चीजें यूट्यूब आप देखेंगे आपको रिवीजन के लिए ज्यादा काम में आएगा बट जब आप बैच में हैं तो धीरे 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 वो ग्रेजुअल लर्निंग होगी कि आपकी डेली क्लास चल रही है मंडे टू फ्राइडे फिर सैटरडे संडे ऑफ होगा फिर आप रिवीजन के लिए भी आपके पास टाइम है नोट्स आपको मिल रहे हैं मॉक टेस्ट मिल रहे हैं दुनिया भर की चीज़ें आपको एक साथ मिल रही हैं जो भी जरूरी है उसके बाहर आपको ना एक किताब लेनी है ना कुछ और सोचना है ना कोई ऐड डिस्ट्रैक्ट करेगा तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं और थोड़ा सीरियसनेस आती है जब आप बैच में पढ़ रहे होते हैं तो ये आ, मतलब मेरे रीजन से जो मुझे लगता है कि एक तो सब्जेक्ट है दूसरा आप समय दे करके पढ़ पाएंगे डेली बेसिस पे एक एक रेगुलरिटी भी उस तरह से बन पाएगी तो एक बेसिक बात थी बाकी आपका जो मन करे मतलब मैं दोनों चीज के लिए ओपन हूं जो आपको ठीक लगे दोनों ही रास्ते मैंने आपको सीडीपी में तीस में से तीस लाने के बता दिए हैं ठीक है टेलीग्राम वगैरह पे आप जुड़ जाएगा जो यूट्यूब की भी क्लासेस के नोट्स होंगे वो भी आपको वहां मिल जाएंगे आपकी वजह से और आपकी करियर टीम की वजह से सीटा एंड बी पी एस सी क्वालिफाई हो गए करके आज टीचर बन पाई हूँ थैंक यू दी लव यू थैंक यू सो मच अमायरा और आ, अच्छा लगता है इस तरह के कॉमेंट्स पढ़ के आज के लिए इतना ही ये चीज़ें हमने अभी प्रॉपर डिटेल में सिलेबस को डिस्कस कर लिया है तीन ही सेक्शन हैं सबसे ज़्यादा जरूरी चाइल्ड डेवलपमेंट है है ना और टेलीग्राम ग्रुप लिंक यार लेट्स लर्न स्क्वाड आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये तीन सेक्शन है ये एक्स्ट्रा वाले हैं जो सिलेबस में नहीं है है ना बट कभी कबार आ जाते हैं क्योंकि जब से ऑफलाइन हुआ तब से रोज हर बार नहीं आ रहे मैं कराती हूं ऐसा नहीं है कि नहीं कराती हूँ तो ये, ये भी कराऊंगी तो ये एक बेसिक बात हो गई सबसे ज्यादा जरूरी आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट फर्स्ट यूनिट जो है पंद्रह नंबर की क्योंकि वो पंद्रह की नहीं है वो दिखने में पंद्रह नंबर लिखे हुए हैं बट वो बीस नंबर की है कम से कम ठीक है जी ठीक है कोई बात नहीं जिनको छः बजे टाइम नहीं मिल रहा वो रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे डेली लाइफ छः से सात होगी बट उसके बाद भी आप वो क्लास देख सकते हैं नोट्स आपको मिलेंगे कोई दिक्कत नहीं है यार मेरा तो फिर दूसरी क्लास होती है आठ बजे से नहीं रख सकती ना इवन बैच में बैक टू बैक क्लासेज हैं तो वो मेरे लिए स्लॉट मुझे ही मुश्किल मिल पा रहा है क्योंकि सबको महत्व देना है भाई है ना बाकी टीचर्स को भी हम लोग तो ठीक है हमारे कौन से बच्चे हैं कि उनसे मिलना है जा कर के हमारा चल जाता है ठीक लेकिन बाकी लोगों की फैमिलीज़ में है तो उनको दिन में हम प्रायोरिटी देते हैं कि आप लोग दिन में क्लास ले लो ठीक है चलिए बहुत बढ़िया धन्यवाद क्लास ज्वाइन करने के लिए लाइव लिए प्रोसेस यार सिंपल है करियर विल ऐप डाउनलोड कर लो आप या फिर करियर विल आ, की वेबसाइट पर चले जाओ गूगल पे डालो करियर विल वेबसाइट और वहाँ टीचिंग सेक्शन में जाओ क्योंकि बड़ी ऐप है काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं एस वगैरह के भी तो ये टीचिंग सेक्शन में आप जाएंगे सेकेंड नंबर पर ही आपको मिल जाएगा उसमें आपको सी का बैच विज़िबल होगा वहाँ से आप एनरोल कर लेना वेबसाइट से लेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा ऐप से लेने पे गूगल की पॉलिसी है इन्होंने ज़बरदस्ती जो है वो सरचार्ज लग गया एक तरह से तो ऐप पे आपको ज़्यादा फीस मिलेगी बट आप वेबसाइट से लेंगे तो ईजी होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी मैं चलिए टेक केयर बाय बाय आज के लिए इतना ही है रखते हैं कल मिलेंगे नौ बजे यूट्यूब पर भी और ऐप में मिलेंगे छः बजे ठीक है और जो अपना बाकी बैचेस की क्लास है वो अलग चलेगी टेक केयर